नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष ग्रह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम नॉवेल्टी थ्रेड्स के बारे में या नॉवेल्टी यार्न्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ हमने पिछली कक्षा के अंदर देखा कि नॉवेल्टी थ्रेड्स को बनाने के लिए एक्चुअली जो रेशे होते हैं उनको वो विभिन्न प्लाई के अनुसार उनको विभिन्न आपस में ऐंठन देकर या काट कर और विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं और इनकी रचना थोड़ी गूढ़ और जटिल होती है। नॉवेल्टी सूत का निर्माण नियमित रूप से अनियमित व्यवस्था में किया जाता है जो पूरे सूत में भिन्न हो सकती है। रोएदार लूप या विभिन्न तनाव और ऐंठन को अंतर देकर इसे तैयार किया जाता है। रंगों में भी भिन्नता लाई जाती है। नॉवेल्टी थ्रेड्स में यूजुअली हम तीन प्रकार के धागों का उपयोग करते हैं और इसे कताई मशीन के द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण के लिए एक धागा आधार का काम करता है तो दूसरा धागा फैंसी प्रभाव का होता है और तीसरा धागा इसमें बांधने का काम करता है। नॉवेल्टी थ्रेड्स के अंतर्गत यूजुअली हम देखते हैं कि इसमें नियमित रूप से एक पैटर्न के रूप में एक्चुअली इरेगुलर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर लूप बना दिया जाएगा, कहीं पर स्पाइरल्स बना दिए जाएंगे, कहीं पर गांठें बना दी जाएगी, तो कहीं पर धब्बे बना दिए जाएंगे, कहीं कुंडली नुमा बनाए दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नॉवेल्टी थ्रेड्स जो बनते हैं उनमें ऐंठन कसाव आदि देकर हम धागों में विभिन्नता ला सकते हैं। नॉवेल्टी धागे का टिकाऊपन यूजुअली जिस धागे का हमने निर्माण किया है उसकी बुनाई पर निर्भर करता है। नॉवेल्टी धागे के प्रभाव जितना कम होता है वस्त्र उतना अधिक मजबूत होता है। नॉवेल्टी सूत का उपयोग बुने हुए स्वेटर या ड्रेसेस के अंदर किया जाता है। शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स में भी हम इन तंतुओं को विभिन्न ऐंठन प्लाई और भिन्न रंगों में भिन्नता लाकर बना सकते हैं। नॉवेल्टी सूत आपके निम्न प्रकार के हैं। पहला, इसमें हम देखते हैं कि रेटाइन थ्रेड्स या रेटाइन यार्न। यह धागा काफ़ी प्रचलित होता है और इसका उपयोग यूजुअली उद्योगों में किया जाता है। यहाँ पर एक्चुअली बटाई के अंदर इसमें हम एक मोटा सूत आधार का कार्य करता है जिसके चारों तरफ कुंडली नुमा और लूप होता है और दूसरा सूत लपेटा जाता है। कई घुमाव और बल देते हुए सूत को स्थिर अवस्था में लाया जाता है। इसमें भी एक बिना ऐंठन युक्त धागे को पर दूसरा कस कर बटा हुआ ऐंठन युक्त धागा लपेटा जाता है, परंतु धागा निर्माण करते समय इसमें बीच बीच में फंदे छोड़ दिए जाते हैं। इन फंदों को तीसरे धागे में यथास्थान बांधा जाता है, परंतु जब कभी फंदे फंस कर खिंच जाते हैं तो इनके आकार व रचना बिगड़ जाती है और वस्त्र फलतः अपना आकर्षण खो देते हैं। सेकंड है इसके अंतर्गत स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न। स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न दो प्लाई या दो से अधिक प्लाई वाले धागों को एक साथ मिलाकर और बनाया जाता है। इसमें इस प्रकार धागों का निर्माण किया जाता है कि इन धागे के व्यास और लंबाई या मोटाई में भिन्नता होती है। इसमें भी एक धागा बिना ऐंठन का और दूसरा धागा अत्यधिक ऐंठन युक्त होता है। बिना ऐंठन वाले धागे पर अत्यधिक ऐंठन युक्त धागा को कस कर लपेटा जाता है कि बिना ऐंठन वाला धागा दिखाई नहीं पड़ता है। यह धागा भी देखने में अत्यंत सुंदर लगता है और लगातार प्रयोग से मोटे धागे को लहरदार घुमाव जो तरफ दिखाई देता है घिस कर जल्दी फट जाता है। अतः वस्त्र की टिकाऊपन और कार्यक्षमता
कम हो जाती है। तो हम देखते हैं वापस पुनः कि स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू जो यार्न होता है उसमें दो प्लाई एक ही धागों को आपस में ऐंठन देकर बनाया जाता है और दोनों प्लाई को विभिन्न ऐंठन पर बल दिए जाते हैं, साथ ही दोनों के आकार में भी भिन्नता लाई जाती है। तीसरा है इसमें आपके कि गांठ या रंग का धब्बा वाला या सूत है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के धागे का निर्माण में भी दो धागों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक धागा आधार होता है और दूसरा धागा उसके ऊपर लपेटने का कार्य करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम देखते हैं कि इस स्थान पर एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं, पुनः वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, कि इसमें हम दो प्लाई के सूत को एक ही स्थान पर देर तक लपेटना एवं शेष स्थान पर दूर दूर लपेटने से बनता है। इस प्रकार से नियमित अंतराल में गांठें बन जाती है जिन्हें दूसरे रंग से तैयार किया जा सकता है। गांठों के रंग व लंबाई ई जो है पूरी लंबाई में आकर्षक लगते हैं। ऐंठन देते समय इसमें बाइंडर साथ लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के धागे में एक्चुअली एक धागा आधार का काम करता है तो दूसरे धागे को पहले धागे पर ही निश्चित अंतराल पर एक ही स्थान में देर तक लपेटने जाते हैं, जिससे वहाँ पर गांठों का भ्रम पैदा हो जाता है। शेष स्थानों पर धागे को दूर दूर लपेटा जाता है। इन गांठों को हम विभिन्न रंगों और विभिन्न आकार से बना सकते हैं। कभी कभी हम छोटी गांठें बनाते हैं जो धब्बों के रूप में हमें भ्रम देती है, तो कभी कभी इन तीसरे धागा बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट धागा देखते हैं, वह है आपका लूप या कुंडली नुमा या बाउले सूत के नाम से जाने वाला। इस प्रकार के फैंसी धागे में दो या दो से अधिक धागों को मिलाकर खिंचाव देकर बनाए जाते हैं। यूजुअली ऐसे सूत बुने निटेड हुए वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसमें एक धागे को आधार के रूप में किया जाता है तथा दूसरे धागे से निश्चित दूरी पर फंदे या लूप्स बनाए जाते हैं। लूप बने होने के कारण वस्त्र आकर्षक दिखाई देता है। फिर थोड़ा इसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि थोड़ा बटा हुआ धागा या जिसे हम स्लब यार्न कहते हैं। इस प्रकार के फैंसी धागे में निश्चित अंतराल में ऐंठन दी जाती है। धागों में कहीं अधिक ऐंठन तो कहीं बिल्कुल बिना ऐंठन के छोड़ दिया जाता है। शेष स्थानों पर कस कर ऐंठन दी जाती है। कभी कभी ऐंठन की दर में भी भिन्नता लाते हैं, इससे धागे में कसाव कम या अधिक दिखाई देता है। ऐसा धागा देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है, साथ ही वस्त्र की सौंदर्य में भी वृद्धि करता है। नेक्स्ट आता है कि मेटैलिक यार्न, धातु की पतली चादर से सूत का निर्माण किया जाता है। स्टील, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि के प्लास्टिक तारों पर चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात इसकी पतली पट्टी काट ली जाती है। धातु से बने सूत पर प्लास्टिक की परत होने से ये खराब नहीं होते। आजकल एल्यूमिनियम की पतली परत के बीच में प्लास्टिक की तह दी जाती है और यह फॉइल के नाम से उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है इसमें आपके कागज के सूत। कागज को फाड़कर और गीला कर ऐसा गीली अवस्था में बटकर सूत तैयार किया जाता है। कागज का सूत को अन्य धागों के समान बुनाई कर का काम किया जाता है। मजबूती में कमी होने से कागज के सूत का उपयोग बैग, सीट कवर, तंतु आदि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक यार्न। प्लास्टिक से सूत प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों के रूप में बनाए जाते हैं। तैयार सूत का प्लास्टिक को सुरक्षित घोल में डुबोकर प्लास्टिक सूत तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंडल यार्न।
रैंडल यार्न एक्चुअली दो या दो से अधिक रंगों को धागों आपस में बटकर और ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है, उसे हम ग्रैंडल यार्न कहते हैं। स्ट्रेच यार्न धागे को यूजुअली हम जब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं, एक्चुअली इन धागों को हम टेक्सचर्ड सूट या बनावटी सूट कहते हैं। बनावटी सूत का निर्माण से इस सूत के प्राकृतिक रेशों के समान गुण का समावेश करना होता है। बनावटी सूत के निर्माण से सूत के प्राकृतिक रेशों के समान गुणों का समावेश करना होता है। बनावटी धागा या टेक्सचर धागा स्ट्रेच धागे को ही उन्नत या संशोधित रूप हम कह सकते हैं। इसमें उत्तम गुणवत्ता लाई जाती है। यूजुअली यहाँ पर हम स्पर्श करने पर तथा व्यावहारिक रूप से काम में लाने पर यह भिन्न होते हैं। ताप सुनम्य तंतु सिल्क के रेशों से अधिक उपयोगी और गुण रखते हैं। इनमें प्रत्यास्थता अलचीलेपन का गुण होता है। ताप चिरस्थायित्व हीट सेट की क्षमता अभी इसमें होती है और देखभाल सरल होती है। बनावट में समरूपता होती है। ताप सुनम्य तंतुओं की कुछ विषमताएं भी इसमें होती है। यह तंतु अधिक टिकाऊ होते हैं, आरामदायक होते हैं, विद्युत उत्पन्न होने से कम हो जाती है इनकी गुणवत्ता। बनावटी सूत यूजुअली ताप सुनम्य तंतु अधिक पारदर्शी होते हैं तथा इनमें जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। बनावटी सूत में उत्तम गुणात्मकता लाई जाती है जो साधारण फिलामेंट में नहीं होती है। बनावटी सूत या टेक्सचर्ड यार्न्स जो होते हैं समानांतर व सीधी अवस्था में नहीं होते, अपितु उनमें भी लूप्स, गुंगराले, कुंडलीनुमा या क्रिम्प्स होते हैं। बनावटी सूत में जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इनमें रेशों के बीच में हवा के लिए पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण ये एक्चुअली शरीर से अधिक नहीं चिपकते हैं। अवशोषण क्षमता तथा स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इनका सीधा संबंध होता है। इसी कारण इसमें स्थिर विद्युत ऊर्जा संपन्न नहीं होती है। बनावटी सूत को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है कि बल्क टाइप यार्न, दूसरा स्ट्रेच टाइप यार्न और तीसरा बनावटी सतह वाले टेक्सचर्ड यार्न, अर्थात बल्क टाइप यार्न, दूसरा स्ट्रेच टाइप यार्न एंड तीसरा है टेक्सचर्ड सरफेस सेट यार्न। आइए अब हम एक एक को डिटेल के अंदर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि स्ट्रेच यार्न्स कौन, बल्क टाइप यार्न्स कौन कौन से हैं। तो बल्क टाइप यार्न्स एक्चुअली वृहद सूत वह फिलामेंट होते हैं जिनका भार प्रति इकाई लंबाई से अधिक होता है। वृहद बनावटी सूत दो प्रकार के होते हैं, लूप टाइप बल्क यार्न और दूसरा है क्रिम्प टाइप बल्क यार्न। लूप टाइप बल्क यार्न इस प्रकार के धागे के निर्माण के लिए फिलामेंट को नियंत्रित गति से एक नोजल से प्रवाहित होकर गुजारा जाता है। इसी नोजल में तीव्र वेग से हवा प्रवाहित की जाती है और हवा के तीव्र वेग को लूपदार बना दिया जाता है। वायु की गति से लूप का आकार निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार के धागे का आयतन 50 से 150 तक होता है। दूसरा क्रिम्प यार्न जो होते हैं, क्रिम्प धागे का निर्माण हेतु फिलामेंट को क्रिम्प बॉक्स में दबाकर गुजारा जाता है। इस बॉक्स में आरी समान सौ लाइक दांते होती है और इन दांतों में फंसकर धागे खिंचकर आगे का रूप धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात इन्हें ताप चेंबर में होकर गुजारा जाता है, जिससे धागे में आयतन 200 से 300 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके कि खींचा हुआ यार्न या स्ट्रेच टाइप यार्न। तो स्ट्रेच टाइप यार्न
में कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं और इन धागों में यह विशेषता होती है कि खींचने पर ये धागे फैल जाते हैं। यूजुअली इन धागों को जब तापसुनमीय या थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स होते हैं और ये धागे खींचने के पश्चात अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हम लूप, घुंघराले, मुड़े, कॉरुगेटेड, गांठ वाले, स्पाइरल, धब्बे आदि भी बना सकते हैं और विभिन्न आकार के धागों का हम निर्माण कर सकते हैं। एक्चुअली ये ताप सुनमय रेशो की फ्री साइज के वस्त्र यूजुअली इनसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके कि दूसरे यान कौन कौन से हैं। तो इसमें जो कर खींचे हुए धागे जो होते हैं वे आपके दो प्रकार के हैं, एक कॉयल टाइप और दूसरा कर्ल टाइप। कॉयल टाइप जो होते हैं वे एक्चुअली कॉयल के समान आपको दिखाई देते हैं, अर्थात यूजुअली हॉइजरी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है और यहाँ पर धागों को एक चपटा बन और दूसरा एक धागा चपटा और दूसरा घुंघराला बनाया जाता है। इसी प्रकार धागे के निर्माण में नकली ऐंठन व ताप द्वारा किया जाता है तो यह कुंडली नुमा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस खींचे हुए वाले सूत भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कुंडली नुमा और दूसरा टेक्सचर्ड यार्न। तो वो और कुछ बनावटी सेट वाले जो वो यार्न होते हैं उसके अंतर्गत आपके लेटेक्स आता है या अब इसके अंतर्गत हमारी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं जो कि यूनिफॉर्मिटी के साथ इन धागों को बनाती है। तो आज हमने देखा कि हम किस प्रकार नॉवेल्टी थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं हमारी फैब्रिक निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।